सियासी मौसम तो काफ़ी गर्म है, लेकिन शहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ईद से कबल कुदरत मेहरबान हो गई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मायरा भट से, जो एबर्ट रोड पर मौजूद है। मायरा, बताएगा मौसम का हवाल, खुशगवार तब्दीली आई है मौसम में? जी, सुबह के वक्त जब अब्र रहमत बरसा तो ऐसे में गर्मी का ज़ोर भी टूट गया। अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिनमें मॉडल टाउन, जौहर टाउन, रायवेंड समेत दीगर इलाके शामिल हैं। मैं इस वक्त एबर्ट रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि ये तेज़ बारिश में अब तब्दील हो रहा है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं और आसमान पर काले बादलों का राज भी है। और अगर बात की जाए कि हब्स, तो हब्स में भी काफ़ी कमी आई है, मौसम पहले से काफ़ी बेहतर है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की गई है कि आज शाम तक ये मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा और रात में भी बूंदाबांदी की जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि रात को भी बूंदाबांदी होगी। कल क्योंकि ईद है तो ईद के दो रोज़ में भी ऐसे ही सूरज और बादलों की आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, यानी मौसम कदर बेहतर होगा, खुशगवार होगा। तो ऐसे में जो लोग कुर्बानी करने के बाद गोश्त बांटने के लिए बाहर निकलेंगे तो उन्हें काफ़ी आसानी होगी कि वो इस खुशगवार मौसम में बाहर इंजॉय भी साथ साथ कर सकेंगे। आज लोग काफ़ी खुश हैं, मौसम क्योंकि अच्छा हो गया है, बाहर जितनी भी उनकी शॉपिंग पेंडिंग थी वो आराम से अब इस मौसम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में शॉपिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब लाहौरिये काफ़ी खुश हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि ईद आई है और साथ अपने साथ इतना प्यारा मौसम भी लेकर आई है। जी, शहर का मौसम खुशगवार हो गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है। शुक्रिया आपका मायरा भट्ट।